नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ त्रिपंचाशत्तमोऽध्याय तिरपनवा अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के चार घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थीं, तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र कंकण पहनाए गए, कुहबर बनाया गया, दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गईं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गौमें ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुवाते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में
यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भराया। वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गईं, सोचने लगी अहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे, इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित रुक्मिणी जी इसी उधेड़ गुण में पड़ी हुई थीं। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई जांघ भुजा और नेत्र भड़कने लगे जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम अवस्था बल
और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम वश होकर पुरवासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लमों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थीं। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थीं और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थीं। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम् स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस तदनुमोदताम। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक हुआ पान कंठ सूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमलों के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित करने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था, मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थीं, नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि
लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी, उनके दांतों की पांत थी तो कुंदकली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थीं। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रख कर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती और अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़ कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिन ले जाएं, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। नारायण 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 नारायण।